गोरखपुर के नवनिर्वाचित महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। आपको बता दें कि योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने नवनिर्वाचित महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाया। वहीं सभी 80 पार्षदगणों को मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बारी बारी से शपथ ग्रहण कराया। इस शपथ ग्रहण के साक्षी बने प्रदेश के वित्त एवं राजस्व मंत्री सुरेश खन्ना। इस शपथ ग्रहण में पूरा प्रेक्षागृह हाल खचाखच भरा हुआ था। वहीं शपथ ग्रहण में पहुंचे प्रदेश सरकार के वित्त एवं राजस्व मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, जिसके लिए सरकार आभार जताती है। अब गोरखपुर नगर निगम को सर्वश्रेष्ठ नगर निगम बनाने के लिए काम करना होगा, जिसको रफ्तार ट्रिपल इंजन की सरकार देगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए नवनिर्वाचित महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि मेयर व पार्षदों को शपथ ग्रहण सम्पन्न हुआ। पहली बार नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड बना है। अब ट्रिपल इंजन सरकार के साथ तेजी से काम करना है और महानगर की समस्याओं को दूर करना है। सभी पार्षदों को ढेर सारी बधाई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के वित्त एवं राजस्व मंत्री सुरेश खन्ना, नवनिर्वाचित महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, सभी को बहुत बहुत सादर प्रणाम। मैं समझता हूँ कि जो है आज गोरखपुर नगर निगम में जो चयनित हुए हैं महापौर और उनके सभी 80 पार्षद साथी के लिए एक अवसर का दिन है। ये उत्सव का दिन है और एक ये ऐसा अवसर है कि आनंद मनाने के साथ साथ एक दायित्व निर्वहन करने का भी प्रण लिया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में, आने वाले 5 वर्षों में हम सभी मिलकर गोरखपुर नगर निगम को एक नया आयाम देंगे और उसमें अवश्य सफल होंगे, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी ने आज महापौर पद की शपथ ली। अपने सभी 80 पार्षदों के साथ हम उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनको और अधिक जनसेवी भावना से ईश्वर काम करने की प्रेरणा देता रहे। साथ ही ये जिम्मेदारी भी उनकी है कि गोरखपुर को हर प्रकार से, खास तौर से विकास के जितने भी आयाम हैं, गोरखपुर को हर तरह से सुसज्जित किया गया है। लगभग विकास की सभी किरणें गोरखपुर की तरफ आ चुकी हैं। अब केवल उनका परिश्रम, उनकी लगन और उनके द्वारा जो मॉनिटरिंग होगी, वही गोरखपुर को एक मॉडल सिटी के रूप में प्रतिस्थापित कर सकती है। और सभी लोगों ने इस बात की अपेक्षा भी की है कि गोरखपुर एक मॉडल सिटी बने, स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी रहे। और इनको अगर महापौर जी और सभी पार्षद और नगर आयुक्त ये चाहेंगे तो निश्चित रूप से इस टारगेट को हम अचीव करें।